A very good evening guys and welcome to our academy. Let's crack SSC and railway exam. स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में. आज का सेशन बहुत स्पेशल है हमारा. जैसे कि कल मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे जिसमें मैंने बताया था कि क्या क्या क्वेश्चंस है जो पूछे जा रहे हैं, और आज मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ आज के सेशन में कि किस तरह से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से पूछे जा सकते हैं जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं. तो मेरे ख्याल से ये वाला सेशन आप बहुत ध्यान से देखोगे तो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा. तो सेशन को एंड तक देखना है गाइस, और जल्दी जल्दी से सारे स्टूडेंट्स लाइव आ जाए जल्दी से ताकि जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर सके. ओके, सो ये अन अकेडमी पे हमारी टीम है जो कि लाइव पढ़ाते हैं. इनके सारे सेशंस लाइव होते हैं अपने अपने फील्ड के, ये परफेक्ट है और आप इनसे अपने सेशंस ले सकते हैं. सो आज का हमारे सेशन बहुत स्पेशल है जिसमें मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ जो आपके अपकमिंग शिफ्ट्स में आ सकते हैं. तो जो स्टूडेंट्स एग्जाम दे चुके हैं, जिन्होंने आगे जिनका एग्जाम है वो लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है. जो दे चुके हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश तो मेंस में भी आने वाला है आपका, ठीक है. तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे बारे में जान लीजिए. टीचिंग एक्सपीरियंस 3 इयर्स, 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैं मेंटर कर चुकी हूँ और काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स भी मैंने क्लियर किए हैं. और जो सेशन हमारा रहता है वो 9 o'clock डेली होता है इसी टाइम, जिसमें हम वोकैबुलरी करते हैं जैसे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस एंड सिनोनिम्स. सो ये टेलीग्राम ऐप है जो आपको इंस्टॉल करनी है अपने फोन में, और इंस्टॉल करने के बाद ये लिंक जैसे ही आप एंटर करते हैं सो आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से सारी अपडेशंस, जैसे कि मेरे लाइव सेशंस कब आ रहे हैं, अदर एजुकेटर्स के लाइव सेशंस कब कब आ रहे हैं, इसकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम ऐप से मिलती रहेगी. सब्सक्रिप्शन लेने के बहुत फायदे हैं. सब्सक्रिप्शन लेने के लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप इंस्टॉल करनी है, और ऐप इंस्टॉल करने के बाद रेफरल कोड है पिंकी लाइव, ये कोड यूज करना है आपको. और इस कोड की खास बात क्या है गाइस, कि एक तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और ये फीस आपको उसके बाद मिलती है ओनली 4500 रुपीज में 1 साल के लिए, ठीक है. चलो सारी फॉर्मेलिटीज हो गई हैं, अब हम आ गए हैं सेशन पे. फर्स्ट टॉप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे. मनीष निम्बल, जतिन पवार, मोहित कटारिया ऑनलाइन अनर, बहुत बड़ी, वेरी वेरी गुड इवनिंग. अच्छा जतिन पवार जी आपका 9 को है, ओके. हाँ जी ऑनलाइन अनर जी, आज क्लास है, क्लास स्टार्ट हो चुकी है हमारी, आप देख पा रहे हैं मैं लाइव बैठी हूँ आपके सामने, फिर भी आप पूछ रहे हैं कि मैम क्या आज क्लास होगी. डेफिनेटली होगी, बिल्कुल क्लास होगी भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है. और पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपकी स्क्रीन पे है, जल्दी से जवाब देंगे सारे स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट करेंगे. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है आपके, क्योंकि जिस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है इस टाइप से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे. सॉरी. मोहित कटारिया जी का सबसे पहले आंसर आया सी होगा, ओके. जतिन पवार बोल रहे हैं बी होगा. ऑनलाइन अंजित दावा ठोकते हुए बोल रहे हैं ऑप्शन सी होगा. जिज्ञासु क्यूरियस जी को किस चीज की हंसी आ रही है, जिज्ञासु क्यूरियस जी. अच्छा ए होगा. मुझे पता था कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन ए की तरफ जरूर जाएंगे. देखो मेरे गले में कुछ नहीं हुआ है, मेरे को कफ प्रॉब्लम है इस वजह से गला खराब हुआ है. ये है कुछ दिनों से मुझे कफ प्रॉब्लम जो ठीक नहीं हो रहा है. सॉरी. देखो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन डी, यानी कि डेप्रिकेट. अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनो. आपसे पूछा है कि डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, किसी चीज का अप्रूवल ना देना, ठीक है, किसी चीज के लिए अप्रूवल ना देना और किसी चीज के लिए मना कर देना, दे बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है. अगर आप मुझे कोई बात बताते हो, मैं बोल दूं कि उस चीज के लिए मैं डिनाई कर दूं, यानी कि मैं उस चीज को सच मानने से इनकार कर रही हूँ, डिनाई कर रही हूँ, ठीक है. अगर मैं बोलूं कि डेप्रिकेट कर रही हूँ, इसका मतलब मैं अप्रूव नहीं दे रही किसी बात के लिए, परमिशन एक तरह से होता है, ठीक है. किसी चीज के लिए अप्रूवल ना देना, डिसअप्रूवल करना, वो आपका डेप्रिकेट होता है. तो डिनाई और डेप्रिकेट, इन दोनों में ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है. डिनाई का मतलब क्या होता है, मना करना किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी बात को मानने से इनकार करना, दैट इज डिनाई. वेरी नाइस मोहित कटारिया जी, बहुत बढ़िया, 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने इंग्लिश में, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, सो प्राउड ऑफ यू. यस जिज्ञासु क्यूरियस जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं.
क्लास के टाइम में पता नहीं क्या हो जाता है, तब कुछ ज्यादा ही हो जाता है कफ प्रॉब्लम। हाँ, डेप्रिशिएट का मतलब होता है वैल्यू कम करना किसी चीज की, ठीक है, वैल्यू कम हो जाना, टू बिकम लेस वैल्यूएबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डेप्रिशिएट होता है। सॉरी गाइस, एक सेकंड दीजिए बस। दो शिफ्ट में हेस्ट का एंटोनिम आया था। हाँ, हेस्ट का तो बहुत आसानी से किया होगा यार, हेस्ट का तो मैंने बताया है आपको कितनी बार, जल्दबाजी में कोई भी काम करना। मैम, मीनिंग ऑफ डिफाई, डिफाई का मतलब भी आपका क्या होता है, डिफाई भी डिनाई का सिनोनिम होता है, डिफाई का मतलब भी होता है मना करना, ठीक है, अवज्ञा करना किसी की, मतलब डिसोबीडियंस वाले फॉर्म में आता है आपका डिफाई भी, ठीक है। 23 किए हैं इज ऑल्सो गुड अटेम्प्ट, क्योंकि 23 में अगर आपकी एक्यूरेसी है तो वो भी बहुत सही है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, असिस्ट का एंटोनियम पूछ रखा था, ये भी बहुत इजी है। क्या असिस्ट का मतलब क्या होता है, हेल्प करना किसी की, असिस्ट असिस्टेंस नहीं होता है किसी का, हेल्पर असिस्टेंस, तो वही होता है आपका। अच्छा, रात और सुबह में कफ बढ़ता है, इसीलिए मुझे, मेरे दोनों सेशन रात और सुबह के ही होते, तो क्लास स्टार्ट होते ही कफ प्रॉब्लम ज्यादा ही बढ़ जाती है। मैं गर्म पानी लेके बैठू, ये देखिए मैं गर्म पानी ही लेकर के बैठी, उसमें नमक डाल के। डिले ऑप्शन था, आप इसकी बात कर रहे हैं, कौन से में था डिले ऑप्शन, जिज्ञासु के क्वेश्चन को थोड़ा क्लियर करके लिखो आप लोग, और बताओ क्या क्या आया था, सारे बच्चे जो जो एग्जाम देकर आए ना, सारे लिखो एक बार, कौन कौन से वर्ड्स आए थे, बाकी बच्चों को भी थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। देखो, डेप्रिशिएट का मतलब बता दिया मैंने, डिप्राइव क्या होता है, डिप्राइव होता है किसी चीज से वंचित हो जाना, ठीक है, किसी चीज से क्या हो जाना, वंचित होना, लैक ऑफ समथिंग नेसेसिटी सच एज फूड एंड मनी, सच एज फूड एंड मनी, बेसिक चीजों का अभाव होना, ये आपका क्या कहलाता है, डिप्राइव कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद द हेल्थ एंड केयर ऑफ ओल्ड पीपल, ये बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताओ। और प्लीज गाइस, जितने भी सेशन देख रहे हैं सारे स्टूडेंट, बस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। रिपल्सिव का सिनोनिम आया था डोट का, उसने रिपल्सिव, या रिपल्सिव भी मैं आपको करवा चुकी हूँ, रिपल्सिव का मतलब क्या होता है, किसी के लिए घोर नफरत पैदा करना, ठीक है। अच्छा, हेस्ट का एंटोनियम डिले, हाँ बिल्कुल ठीक है, हेस्ट का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी में करना कोई भी काम, तो डिले उसका ठीक हो जाएगा, ठीक है, यस। और रिपल्सिव क्या होता है, किसी से घोर नफरत करना। बी होगा, यानी कि पेडियाट्रिक्स, देखो ऑब्स्टेट्रिक्स और पेडियाट्रिक्स, एक तो इन दोनों में डिफरेंस बताऊंगी मैं, ठीक है, दोनों सिमिलर से होते हैं, बट ये दोनों ही आपके आंसर नहीं जाएगा, आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी, जेरियाट्रिक्स। नहीं, ऑनलाइन एनर्जी, ऑप्शन डी होता है जेरियाट्रिक्स, जेरियाट्रिक्स होता है जो ओल्ड पीपल के लिए जो डीलिंग करते हैं मेडिसिन, ठीक है, उनकी बीमारी के इलाज के लिए जो यूज किया जाता है ओल्ड पीपल के लिए, बूढ़े लोगों के लिए, वो जेरियाट्रिक्स होता है, ठीक है। अब देखो ऑब्स्टेट्रिक्स क्या होता है, एरिया ऑफ मेडिसिन कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन को, जो बच्चों को जो जन्म, जो दाई माँ नहीं होती, जैसे गांव में जो दाई माँ होती है, हॉस्पिटल में जो नर्सेज होती है, जो बर्थ के टाइम पे जो काम करती है, ठीक है, चिल्ड्रन के बर्थ के टाइम पे, उनको ऑब्स्टेट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, कनेक्टेड विद द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन हो गया। अगर पेडियाट्रिक्स पूछे आपसे, ये भी चिल्ड्रन से रिलेटेड होता है, पेडियाट्रिक्स ये होता है कनेक्टेड विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, कनेक्टेड विद द डिजीज ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है। हाँ, ऑनलाइन एनर्जी गांव में नहीं होती थी, जैसे दाइमा वगैरह। जिज्ञासु क्यूरियस, जियो पे जिंदा है, सब जियो पे ही जिंदा है, वाईफाई वाले लोग कम है, जब से जियो आया है सब जियो पे ही जिंदा है। चलो ओके, अब देखो कुछ स्टूडेंट्स ऑप्शन ही दे रहे थे। देखो कैलिस्थेनिक्स क्या होता है, ये एक तरह से जिम्नास्टिक एक्सरसाइज होती है टू अचीव बॉडीली फिटनेस, टू अचीव
बॉडी फिटनेस, ठीक है, एक तरह से ये क्या होती है, जिम्नास्टिक एक्सरसाइज होती है। यस बैंक की तरह जियो का भी लास्ट एज, अरे यार नहीं, यस बैंक का तो आ गया है लास्ट एज, बट अभी जियो का नहीं आया है, ठीक है, चलो जियो पे ही जिंदा है सब लोग, जियो नहीं छोड़ सकते कोई। नमस्ते अर्जुन के बाद जी, नमस्ते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, और प्लीज गाइस सेशन को प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहे यार, सारे स्टूडेंट इतना तो सपोर्ट कर दो। देखो कितने कम बचे, मैंने थोड़े दिन छुट्टियां क्या मारी, बच्चों ने सोचा कि मैम भाग गई है ना, मैंने बोला था कुछ दिनों में जल्दी वापस आऊंगी, तब तक सारे बच्चे ही भाग गए। चलो जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दो यार सारे स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन। जल्दी जल्दी बताओ सारे स्टूडेंट्स, आंसर करो फटाफट। यस मोहित कटारिया जी का सबसे पहले आंसर आया, वो भी डेफिनेटली बोल रहे कि मैम ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। ओके जतिन पवार जी बोल रहे हैं ऑप्शन ई होगा। राम राम जी, मोहन तंवर जी, जतिन पवार बोल रहे हैं ऑप्शन ए होगा। यार इतना कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, आपसे क्या पूछा, डिटेनिंग एंड कन्फाइनिंग समवन, किसी को नजरबंद कर देना, ठीक है, किसी के ऊपर नजर रखना, कड़ी नजर रखना, नजरबंदी करना, वो आपका क्या होता है, इंटरप्शन कैसे हो सकता है, इंटरप्ट करना, टांग अड़ाना किसी चीज में, इंटरप्ट करना, ठीक है, जैसे आप बात कर रहे हो बीच में आके किसी ने अपना टांग अड़ा दिया तो वो क्या होगा, इंटरप्ट करना, ठीक है, तो इंटरप्शन तो आपका जाएगा ही नहीं, फर्स्ट तो बिल्कुल नहीं जाएगा। इंटरोगेशन क्या होता है, पूछताछ करना, इंटरोगेटिव वर्ड्स नहीं होते, डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड्स जो होते इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, वो आपका इंटरोगेशन होता है, तो वो भी बिल्कुल नहीं जाएगा। आप देखो इंटरमेंट का मतलब क्या होता है, इंटरमेंट क्या होता है, किसी को नजरबंद करना, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटरमेंट। क्लियर है सभी को? हम तो भागे थे कुछ दिनों के लिए जिज्ञासु क्यूरे जी, हम भागे नहीं थे, हम बता के गए थे आपको कि हम जल्द ही वापस आएंगे, और देखो जल्द वापस हम आ भी गए, है ना, बाकी बच्चे भाग गए हैं लेकिन। डिटेनिंग मीन्स टू स्पाय, स्पाय मतलब क्या होता है, जासूसी करना होता है एक तरह से, तो वो हम सिनोनिम्स के तौर पे ले सकते हैं, बट ये नहीं जाएगा, इसका स्पाई नहीं जाएगा। वेरी गुड इवनिंग शंकर जी। अब देखो इंटरमिटेंट क्या होता है, इंटरमिटेंट होता है कोई भी काम रुक रुक के करना, ठीक है, स्टॉपिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन स्टार्ट, स्टॉपिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम एंड देन स्टार्ट, ठीक है, रुक रुक कर रहा, इरेगुलर वे पे, ठीक है, वो आपका क्या होता है, इंटरमिटेंट होता है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से। मैम होली मनाने गए सब, अच्छा होली मनाने इतने दिन पहले से चले गए, क्या बात है, इतना इतना डेडिकेशन एग्जाम के लिए दिखाओ ना जितना तुम होली दिवाली के लिए दिखाते हो, या फिर सोच लो कि एग्जाम जब तक होता नहीं है जॉब नहीं मिलती, भाई होली दिवाली सब क्या है, मोह माया है, जुट जाओ बस पढ़ाई में, जब तक जॉब नहीं मिलती है मनाते रहना फिर जिंदगी भर होली दिवाली। मैम इंटरमिटेंट द क्लास। नहीं मोहित कटारिया जी, एक बीच में ब्रेक आया था बस, अब हमारी क्लास रेगुलर चलने वाली, इट्स नॉट इंटरमिटेंट, ओके। यस ऑनलाइन अजय बोल रहे दावा ठोकते हुए, मैम ऑप्शन बी होगा यानी कि फिलैंथ्रोपी। ओके सीजीएल का एग्जाम हो गया, लव कुश परी आज कैसा हुआ, देखो अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्चून, अचानक से बहुत अनएक्सपेक्टेड कुछ मिल जाना, ठीक है, अचानक से बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाना, ठीक है, जैसे कि लॉटरी निकल जाना, अचानक से कुछ ऐसा हाथ लग जाना, तो वो आपका क्या होता है, विंडफॉल होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप देखो ऑप्शन बी की तरफ जो जा रहे थे वो ध्यान से सुनो, फिलैंथ्रोपी बहुत इजी वर्ड है, एक बार भी बहुत बार करवा चुकी हूँ। फिलैंथ्रोपी क्या होता है, जो दूसरों की हेल्प करते हैं, परोपकार व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, टू हेल्प द पुअर एंड दोज इन नीड बाय गिविंग मनी, टू हेल्प द पुअर, ठीक है, जरूरतमंद की क्या करना, हेल्प करना। थैंक यू सो मच ऑनलाइन एनर्जी हमें सलाह देने के लिए।
इंग्लिश तो बहुत इजी ही पूछ रहे। हाँ अविनाश सिंह जी, बात तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, इंग्लिश इजी ही पूछी जा रही है आपसे, इसीलिए मैंने भी इजी इजी आज वर्ड्स में करवा रही हूँ आपको, इन्हीं में से आ जाएगा। और मैंने देखी है सारे वर्ड्स आपके जो मैं करवा चुकी हूँ ना, मैं उससे बाहर कोई भी वर्ड नहीं आया, एक दो को छोड़ के सारे वो वाले वर्ड्स आए हैं जो मैंने अपने सेशन में करवाए हैं। और ये मैं पहले भी बोलती थी आपको कि मेरे सेशन आप सीरियस होके लोगे तो इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, और सारे उसी में से आए हैं सारे वर्ड्स। अब देखो बेनवोलेंस का मतलब क्या होता है, परोपकार होना, जो लोग दयालु होते हैं परोपकार होते हैं वो क्या होते हैं, बेनवोलेंस होते हैं, ठीक है। टर्न स्टाइल क्या होता है, देखो टर्न स्टाइल क्या होता है, वो आपने देखा होगा वो घूमने वाला गेट होता है जो, जिसमें एक बार में एक ही पर्सन निकलता है, ठीक है। गेट दैट मूव्स राउंड इन अ सर्कल, गेट होता है एक दैट मूव्स राउंड इन अ सर्कल, जिसमें एक बार में एक ही पर्सन निकलता है इन अ सर्कल, ठीक है, उस गेट को टर्न स्टाइल बोलते हैं। चारों ऑप्शंस क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? चलो जल्दी से बताओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मैथ्स की तैयारी करवा दे, अच्छा प्री हो गया ना अच्छे से, हाँ अब मैथ्स पे जुट जाओ जल्दी से, मैथ्स और इंग्लिश के दो ही सब्जेक्ट बचे अब आपके पास, रीजनिंग से और जीएस से थोड़े दिन के लिए ले लो संन्यास, अगर पेपर हो गया है बहुत अच्छा, तो जुट जाओ आप मेंस की तैयारी के लिए, ओके। सीएचएसएल वालों ही तो अपना उस पे जुट जाओ जल्दी से, क्या कहते हैं आपका डिस्क्रिप्टिव का पेपर होने वाला है अब। ओके जिज्ञासु जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी होगा, अविनाश जी भी बोल रहे हैं ऑप्शन सी, ऑनलाइन लर्नर दावा ठोकते हुए बोल रहे हैं ऑप्शन सी, क्या बात है, मैथ्स करवा दें, ठीक है। जिज्ञासु जी की जिज्ञासा तो देखिए कैसी बढ़ती जा रही, इंग्लिश से निकल करके मैथ्स तक पहुंच गई है, वेरी नाइस। मुझे पता है प्री तो हो जाएगा आप लोगों का, नॉर्मलाइजेशन भी तो होना है, तो कोई टेंशन नहीं है, प्री का कोई टेंशन नहीं, वेरी नाइस, ये होता है कॉन्फिडेंस एकदम बढ़िया। देखो सीइंग समवन व्हिच इज नॉट एक्चुअली प्रेजेंट, जो चीज हमें दिखाई देती है बट एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होती, वो क्या होता है, भ्रम होता है हमारा, और वो भ्रम क्या होता है, हेलुसिनेशन होता है, हेलुसिनेशन, जो दिखाई देता है बट इट्स नॉट इन एक्चुअल, दैट इज हेलुसिनेशन। इमेजिनेशन इसका नहीं जा सकता, वो कुछ भी हो सकता है, इमेजिन हम कुछ भी कर सकते हैं, वो एक्चुअल नहीं होता, कुछ कुछ एक्चुअल चीजों को भी इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट आंसर इसका नहीं जाएगा। प्रिजम्पशन क्या होता है, प्रिजम्पशन होता है पॉसिबिलिटी दिखाना, परिकल्पना करना, वो आपका क्या होता है, प्रिजम्पशन होता है, ठीक है। आइकोनोक्लास्ट क्या, आइकोनोक्लास्ट पूछना चाह रहे हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी मत जाओ भाई, अभी पहले ये करो सपोजिशन क्या होता है, सच माना हुआ बट एक्चुअल में नहीं, हम सपोज करते हैं ना, पूरी जिंदगी हमारी सपोज करने में चली जाती है। मैथ्स के क्वेश्चन में ही ले लो आप, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, है ना, तो सपोज करना किसी भी चीज को बट वो एक्चुअल में नहीं होता, दैट इज सपोजिशन। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, वन हु क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स व्हिच ही थिंक्स is mistake or unwise। बहुत सही बोल रहे मोहित कटारिया जी, इस बार कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है आपका, 150 मिनिमम मान के चलो इस बार का कट ऑफ, सिक्स्थ का सी होगा। अभिषेक कुमार जी ओके, बाकी लोग बताओ जल्दी से क्या होगा, जल्दी से गाइस थोड़ा सा प्लीज सेशन को शेयर कर दो यार, देखो कितने कम बजट, लिस्ट 50 तक पहुंचा दो बस जल्दी से, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना सपोर्ट कर दो बस मुझे। मोहित कटारिया जी बोल रहे सी होगा, अर्जुन केवत बोल रहे हैं ए होगा, ओके। देखो क्रिटिसाइज पॉपुलर बिलीव्स व्हिच ही थिंक्स इज मिस्टेक और अनवाइज, इसका मतलब क्या है, मतलब कि जो ब्यूटी आर्ट लिटरेचर इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते हैं जो लोग, ठीक है, ना इन सब चीजों में बिलीव करते हैं ना एंजॉय करते हैं इनको, उसको क्या कहा जाता है, तो आपका जो सही आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन ए फिलिस्टाइन। नहीं, ऑप्शन ए होगा इसका सही आंसर, फिलिस्टाइन। देखो जो आर्ट लिटरेचर की ब्यूटी वगैरह पे बिलीव नहीं करते हैं ना उनको एंजॉय करते हैं, ठीक है, वो ऐसे लोग फिलिस्टाइन होते हैं, इम्पोस्टर नहीं हो सकता है इसका आंसर। इम्पोस्टर कौन होते हैं, बहरूपिया जिसको बोलते हैं, जो होते कुछ है बट दिखाते कुछ हो रहा है ना, जो मास्क पहन के रहते हैं, नकाब ओढ़ के रहते हैं जो लोग। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं राग जयपुर जी, कि जो लोग
इम्पोस्टर मीन्स फेक। हाँ, जो लोग फेक होते, रियल नहीं होते, नकाब पहन के रहते हैं, ठीक है, जो होते हैं कुछ और दिखाते हैं कुछ और, दैट इज इम्पोस्टर। ओके, क्या बात है जिज्ञासु, प्यूरे जी की जिज्ञासा तो देखिए, बोल रहे कि मैम नेट नहीं चल रहा है, रूफ पे बैठा हूँ, ठंड लग रही है। जिज्ञासु जी नीचे चले जाइए, क्लास अपलोड हो तब देख लीजिए, ठीक है। देखो आइकोनोक्लास्ट क्या होता है, आइकोनोक्लास्ट का मतलब क्या होता है, जो ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करता है, ट्रेडिशंस और एक्सेप्टेड बिलीफ्स जो होते हैं, एक्सेप्टेड आइडियाज बिलीफ्स जो होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, उनको फॉलो नहीं करता है, सोशल नहीं रहता है, दुनिया से ज्यादा लेना देना नहीं रखता है, दैट इज आइकोनोक्लास्ट, जो खुद में ही रहते हैं, ठीक है, वो आपके कौन होते हैं, आइकोनोक्लास्ट होते हैं, ठीक है, who does not believe in tradition and accepted ideas. Cannibal कौन से होते हैं, cannibal वो लोग होते हैं, person who eats other people, जिनको नरभक्षी बोलते हैं, other people, ठीक है, जो अपने जैसे लोगों को ही खाते हैं, नरभक्षी जिनको बोलते हैं, cannibal बता दिया है मैंने राग जयपुर जी, क्या आपको समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज इज नॉलेज, एग्जोडस का मतलब एग्जोडस आपका क्या होता है, एक ही समय पर बहुत सारे लोगों को उस जगह को छोड़ देना, वो एग्जोडस कहलाता है, एक्स यानी कि एग्जिट, एग्जिट करना, बहुत सारे लोगों का एक साथ एक जगह से एग्जिट कर लेना, दैट इज एग्जोडस, ठीक है, समूह में, ग्रुप में। अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ओके, ऑप्शन ए सी बी, सारे स्टूडेंट थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, ए सी एंड बी में, ठीक है, डायनामिज्म तो नहीं होगा ये श्योर है, ठीक है, ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस और करैक्टर, ठीक है, अपीयरेंस में बिल्कुल चेंज आ जाना, रूपांतरण हो जाना, एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट चेंज, ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज, जो चीज कंटिन्यू प्रोसेस में है, चेंज हो रही है, जिसमें कंटिन्यू मूवमेंट हो रहा है, वो आपसे पूछा जाए, तो उसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस मूवमेंट, ठीक है, एग्जाम्पल आर प्लांट्स आर इन अ स्टेट ऑफ फ्लक्स एट द मोमेंट, कि हमारा जो प्लान है वो किस मोमेंट पे, फ्लक्स मोमेंट पे, बार बार चेंज हो रहा है, कभी जाना है प्लान घूमने का तो नहीं जाना है, कभी जाना है कभी नहीं जाना है, कभी यहाँ जाना है कभी वहां जाना है, जब जा रहे होते कहीं घूमने के लिए, सपोज करो मूवी देखने जा रहे हो, कभी तो आपका मन बनता है ये वाली मूवी देखना है, कभी आपका मन बनता है कि ये वाली, तो प्लान में बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज फ्लक्स, जो कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज इन फॉर्म, कंप्लीट चेंज इन फॉर्म, आकृति में चेंज होना, शेप में चेंज होना, ठीक है, नेचुरल डेवलपमेंट की वजह से, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, नेचुरल डेवलपमेंट की वजह से चेंज होता है ना, उनमें छोटे होते हैं पौधे, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, वो एक ट्री बन जाता है, ठीक है, तो दैट इज मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट, ये भी एक चेंज होता है इन फॉर्म। तो चारों ऑप्शन आई थिंक क्लियर हो गए आपको। डायनामिज्म क्या होता है, डायनामिज्म होता है गतिशील होना, समथिंग विच इज डायनामिक, ओके, मूड स्विंग होना, अगर आपका मूड जल्दी जल्दी स्विंग हो रहा है, कंटिन्यू स्विंग हो रहा है, तो आप उसको फ्लक्स चेंज बोल सकते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका यही था, अ ब्रॉड रोड बॉर्डर्ड विद ट्रीज, पता नहीं जिज्ञासु क्यूरियसिटी, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, आई डोंट नो, आप वोकैबुलरी पूछ लो यार मुझसे, वही बहुत है। दिवाकर कुमार बोल रहे हैं बी होगा इसका आंसर, ओके ओके, अर्जुन जी बोल रहे हैं डी होगा, राग जयपुर जी हमसे ही पूछ रहे हैं कि मैम क्या इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, देखो भाई
विकास सरोहा जी बोल रहे हैं ऑप्शन सी, नहीं ऑप्शन सी नहीं जाएगा, इसका जो सही आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, बिलेवर्ड। बिलेवर्ड का मतलब क्या होता है, रोड के दोनों तरफ जब एक लाइन से बहुत सारे ट्रीज लगे होते हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगता है ना, रोड के दोनों तरफ बहुत सारे लाइन में ट्रीज लगे होते हैं तो उसी को बोलते हैं बिलेवर्ड। ठीक है, अब देखो बिडोर क्या होता है, बिडोर का मतलब क्या होता है, एक वाइड स्ट्रीट जिसके दोनों तरफ या तो ट्रीज लगे हुए हैं या फिर कोई बिल्डिंग है। ठीक है, स्ट्रीट नहीं होती जिसके दोनों तरफ बिल्डिंग होती है, तो वो आपका क्या होता है, बिडोर होता है। उसी को हम दोनों तरफ ट्रीज भी हो सकते हैं उसमें और बिल्डिंग भी हो सकती है, ठीक है, वो आपका बिडोर होता है। एवेन्यू वाले सुनो, संदीप प्रजोतिया जी सुनो, एवेन्यू का मतलब क्या होता है, देखो एवेन्यू होती है वाइड स्ट्रीट जिसके दोनों तरफ ट्रीज या बिल्डिंग होती है, ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, एवेन्यू होता है। देखो जो मैंने आपको बिडोर का मतलब बताया था ना वो नहीं है, एवेन्यू का मतलब होता है, जो मैंने आपको बिडोर का मतलब बता दिया, बिडोर यार होता है एक रूम होता है जो प्राइवेट होता है, ठीक है, अ स्मॉल प्राइवेट रूम, गलती से बता दिया सॉरी, माफी चाहती हूँ, अ स्मॉल प्राइवेट रूम, ठीक है। नहीं, फसाड का मतलब क्या होता है, फसाड का मतलब होता है कि बाहरी दिखावा करना, सिमिलर कॉपी नहीं होता। फसाड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है जो लोग शो ऑफ करते हैं, बाहरी दिखावा करते हैं, एक किसी बिल्डिंग की जो फ्रंट वाली वॉल होती है ना जो दूर से दिखाई देती है, आउटसाइड से किसी बिल्डिंग की फ्रंट वॉल जो दिखाई देती है उसको भी फसाड बोलते हैं, और बाहरी दिखावा करना भी आपका क्या होता है, फसाड होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। My voice is fluxing. ठीक है, अभी तो fluxing तो क्या, मेरी voice तो stable हो गई, यहाँ पर flux तो कहाँ है, change कहाँ हो रही है, एक बार change हुए बहुत दिन से change ही है उसमें, अब stay अब ऐसी हो गई है। दिवाकर कुमार जी हम fine तो हैं but cough problem है बस थोड़ा सा। चलो जल्दी से next question देखो। A mild or indirect expression substituted for an offensive or harsh one. Thank you so much राग जापूर जी, सलाह की बहुत जरूरत है मुझे, बट ये सारी चीजें मैं कर चुकी हूँ एक्चुअली। अर्जुन केवट जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए होगा। हेलो प्रभुनाथ जी, बड़े लोग बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं, क्या बात है, प्रभुनाथ जी रास्ता बोल गए थे हमारी क्लास का। जतिन पवार बोल रहे हैं ऑप्शन बी, दिवाकर कुमार ऑप्शन ए। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। यस दिवाकर जी, विकास जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। यूफेमिज्म क्या होता है, यूफेमिज्म यानी कि किसी एम्बेरसिंग सिचुएशन को बताने के लिए जब आप इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन का यूज करते हैं, है ना, जब कोई ऐसी सिचुएशन आपको किसी को समझानी है कि आप डायरेक्ट वर्ड्स में नहीं समझा रहे, थोड़ी एम्बैरेसिंग से सिचुएशन है, तो आप क्या करते हैं उसको थोड़ा घुमा फिरा के समझाते हैं, तो एक्सप्रेशन से समझाते हैं या फिर इनडायरेक्ट वर्ड्स का यूज करके समझाते हैं, तो वही आपका क्या होता है, यूफेमिज्म। ठीक है। हाँ जी ऑनलाइन एनर्जी, आपका दावा बिल्कुल सही है। ट्रूइज्म क्या होता है, एक ऐसे स्टेटमेंट जो ऑब्वियस ट्रू है जिसके ऊपर कुछ और डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, अदर फैक्ट्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, द स्टेटमेंट व्हिच इज ऑब्वियस ट्रू। ठीक है, स्टेटमेंट व्हिच इज ऑब्वियस ट्रू। अब देखो एल्ट्रुइज्म तो आप सभी को पता है, एल्ट्रुइज्म का मतलब क्या होता है, एल्ट्रुइज्म होता है यार परोपकार व्यक्ति ना, दयालु परोपकार व्यक्ति जो हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, परोपकार होना। फेवरेटिज्म क्या होता है, फेवरेटिज्म होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू द पर्सन दैट यू लाइक द मोस्ट। आप किसी को बहुत पसंद करते, किसी पर्सन को जो आपका फेवरेट है, तो आप उसकी तरफदारी लेते भले ही वो गलत ही क्यों ना हो, तो उसी को बोलते हैं फेवरेटिज्म। ठीक है, यानी कि गिविंग अनफेयर एडवांटेज, एडवांटेज। ठीक है, यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन हु बिलीव्स इन नॉन गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इनसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट. जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, आंसर आपके सामने है, ऑप्शंस भी आपके सामने. देखो पेपर कितना इजी आता है, एसएससी आपको आंसर भी देता है, क्वेश्चन भी देता है, आपको सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगा के उन चार में से उस क्वेश्चन को, उस आंसर को खोज निकालना है उस चार ऑप्शंस में से. कितना इजी होता है. जल्दी से बताओ. दिवाकर कुमार जी बोल रहे हो ऑप्शन बी, प्रभुनाथ कुमार ऑप्शन बी, दिवाकर ओके देख लिया मैंने. दिवाकर जी आप आंसर बी दे रहे हैं. ऑनलाइन जी दावा ठोकते बोल रहे कि ऑप्शन बी होगा. हां जी वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. अनार्किस्ट ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है. ठीक है, अराजकता फैल जाना, गवर्नमेंट नहीं है कोई ऐसे सिचुएशन, इनसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट, जैसे कि आपके प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हो जाते जहां पर तोड़फोड़ स्टार्ट हो जाती है ना, प्रोटेस्ट जैसे दिल्ली में होते रहते हैं प्रोटेस्ट किसी भी किसी चीज को लेकर के. तो उस टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट के ना होने जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि गवर्नमेंट की कोई सुनता ही नहीं है. अनार्किस्ट जैसी सिचुएशन, अराजकता जहां पर गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. ठीक है, अब देखो मोनार्किस्ट क्या होता है, मोनार्किस्ट क्या होता है आपका, गवर्नमेंट बाई अ किंग और क्वीन, रूल बाई अ किंग और क्वीन. ठीक है, और ऑटोक्रेट क्या होता है, ऑटोक्रेट होता है रूलर हु हैज कंप्लीट पावर, जिसके पास कंप्लीट पावर होती है, निरंकुश शासक जिसको बोलते हैं, तानाशाह जिसको बोलते हैं. ठीक है, अ रूलर हु हैज कंप्लीट पावर. ठीक है, और एब्लूटोमैनिया देखो क्या होता है, एब्लूटोमैनिया का मतलब ऑब्सेशन विद बाथिंग एंड वॉशिंग. कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कीड़ा नहीं होता, मैनिया होता है कि हर वक्त जब देखो नहाते धोते रहते हैं, है ना, हर वक्त हैंड वॉश करते रहते हैं, हर वक्त नहाते धोते रहते हैं, दिन में 10-10, 20-20 बार, उनको मैनिया होता है, एब्लूटोमैनिया. एब्लूशन वर्ड सुना होगा आपने, शुद्धिकरण करना, जैसे ये आप पूजा पाठ वगैरह करते तो उससे पहले क्या करते हैं, नहाते हैं या फिर हाथ धोते हैं, मंदिर जाने से पहले हाथ धोते हैं, पूजा करने से पहले, वो एब्लूशन होता है. और एब्लूटोमैनिया, ये भी एब्लूटो आपका क्या है, ये रूट वर्ड है. ठीक है, वॉश करना, एब्लूटोमैनिया जिनको नहाने और धोने का बहुत ज्यादा मैनिया होता है. ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, एब्लूटोमैनिया. क्या ये क्वेश्चन यहाँ तक सभी को क्लियर है. सिंगल रूलर रूलर ही होता है मोनार्किस्ट, बाय किंग और क्वीन. अच्छा लवकुश परिहार जी बता दो यार अपनी मम्मी का काढ़ा वाला रेसिपी, जरूर बता दो, हमको बहुत जरूरत है उसकी. नहीं नहीं कोरोना तो चल रहा है बट यहाँ नहीं है, मुझे कोरोना नहीं है, सिर्फ कफ है और कुछ भी नहीं है. डॉक्टर ने अश्योर कर दिया है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ कफ प्रॉब्लम है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा. चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा. द एक्ट ऑफ गिविंग अप सॉवरेन्स पावर, इसकी पीडीएफ आपको प्लस कोर्स पर मिलेगी, यहाँ नहीं मिल सकती है, मुझे अथॉरिटी ही नहीं है यहाँ पर पीडीएफ देने की. द एक्ट ऑफ गिविंग अप सॉवरेन्स पावर, जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो हार्ड है, नहीं ये हार्ड नहीं है. दिवाकर जी ने आंसर किया है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी तो बिल्कुल नहीं जाएगा दिवाकर जी इसका आंसर, ये तो सबसे पहले एलिमिनेट होगा. रिजाइन करना नहीं हो सकता इसका आंसर, आपसे क्या पूछा जा रहा है, गिविंग अप सॉवरेन्स पावर. मतलब कि त्याग देना, क्या त्याग देना, अपना पद अपनी पोस्ट को त्याग देना, अधिकार या पद को का क्या कर देना, त्याग कर देना, सेक्रीफाइस कर देना. हां जी अर्जुन केवत बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, एब्डिकेट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. एब्डिकेट क्या होता है, टू गिव अप बीइंग किंग और क्वीन. ठीक है, सॉवरेन्स पावर, अधिकार या पद को क्या कर देना, छोड़ देना, त्याग देना. एब्डिकेट क्या होता है, सेक्रीफाइस करना. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. रेलिंक्विश क्या होता है, रेलिंक्विश मैं पहले ही करवा चुकी हूँ, टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग, किसी काम को करना, किसी वस्तु को रोकना, काम को करना नहीं रोकना. ठीक है, कोई काम या वस्तु को छोड़ देना या काम को रोक देना, दैट इज रेलिंक्विश, टू स्टॉप हैविंग और डूइंग समथिंग, टू स्टॉप हैविंग
और डूइंग समथिंग, ठीक है। अब देखो रिनाउंस का मतलब क्या होता है, रिनाउंस क्या होता है, रिनाउंस का मतलब भी एब्डिकेट होता है, त्याग देना किसी किसी के ऊपर से दावा या ओनरशिप, किसी के ऊपर से अपना अधिकार त्याग देना कि हमारा आपके ऊपर कोई हक नहीं है, ठीक है, त्याग देना, वो आपका क्या होता है, रिनाउंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, अ शेल्टर फॉर हॉर्स, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहित कटारिया जी बोल रहे हैं सी होगा, ओके। बाकी स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट जरूर करिए, सारे क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके, जो एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए ध्यान से करो। ऑनलाइन लर्नर जी दावा ठोकते बोल रहे ऑप्शन ए होगा, राग जयपुर जी बोल रहे ऑप्शन ए, दिवाकर कुमार भी ऑप्शन ए, मोस्टली स्टूडेंट्स ऑप्शन ए की तरफ जा रहे हैं, क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है, स्टेबल, वेरी नाइस। स्टेबल का मतलब क्या होता है, बिल्डिंग वेयर हॉर्सेस आर कैप्ड, सॉरी, जहां पर हॉर्सेस को रखा जाता है, अस्तबल बोलते हैं जिसको, हॉर्सेस को रखा जाता है जहां पर, अस्तबल होता है स्टेबल, ठीक है। शेत इसका आंसर नहीं जा सकता, शेत का मतलब क्या होता है, शेत होता है कवर फॉर ए नाइफ और अदर शार्प वेपन, ठीक है, कवर फॉर अ नाइफ या फिर कोई शार्प वेपन जिसको रखा जाता है उसको शेद बोलते हैं। स्टाई क्या होता है, स्टाई होता है आपकी जो आंख के ऊपर एक पेनफुल स्पॉट ऑन द आई लिड, जो आंख के ऊपर एक छोटा सा दाना नहीं हो जाता है आंख की पलकों के ऊपर, वो स्टाई होता है, ठीक है। और केनल क्या होता है, अ स्मॉल हाउस फॉर डॉग, अ स्मॉल हाउस फॉर डॉग, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कैनल बोलते हैं। हाँ म्यान बोल सकते हैं जिज्ञासु की ओर शेत को आप, हाँ म्यान बोल सकते हैं, हाँ डॉग हाउस होता है आपका कैनल, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द कमिटी वेयर ऑफ वन माइंड ऑन दिस इश्यू, जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए स्टेटस एंड इनक्रेडिबल साउंड्स बोल रहे हैं, ऑप्शन ए होगा, ओके। बी एच के ऑप्शन बी, दिवाकर जी अनानिमस जिज्ञासु क्यूरियस ऑप्शन बी। देखो जहां पर एक मत हो, एक बात हो, किसी एक ही बात पर रखना, ठीक है, एक मत होना किसी भी बात पर, वो आपका क्या कहलाता है, अनानिमस कहलाता है। यस, जिन्होंने आंसर किया था ऑप्शन बी उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, अनानिमस इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखो एनोनिमस तो बिल्कुल नहीं जा सकता इसका आंसर, क्यों नहीं जा सकता, एनोनिमस क्या होता है, हूज नेम इज नॉट नोन, हूज नेम इज नॉट नोन, जो अननोन होते हैं, ठीक है, जो अननोन है, गुमनाम, ठीक है, गुमनाम व्यक्ति द्वारा लिखा गया कुछ, गुमनाम व्यक्ति द्वारा किया गया कुछ, दैट इज एनोनिमस, ओके। यूनिवर्सल नहीं हो सकता इसका आंसर, यूनिवर्सल तो आप सभी को पता है, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, एग्जिस्टिंग एवरीवेयर, ठीक है, तो आपका ये बिल्कुल नहीं जा सकता यूनिवर्सल, सिमिलर भी इसका आंसर नहीं जा सकता, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एनोनिमस, ओके, हाँ जी गुमनाम। जल्दी से बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, जिसको पेन और प्लेजर का कोई भी अनुभव नहीं होता है, हाँ नो आइडेंटिटी, यस, चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन केवट जी बोल रहे हैं सी होगा, ऑनलाइन अर्जी बोल रहे हैं स्टोइक होगा, ओके, स्टॉइक होगा, ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, क्या बात है, ऑप्शन सी यानी कि प्लेंटिफ। मास्क पहन के पढ़ाएं क्यों, वायरल क्या कहते हैं, सिस्टम में से निकल के आप तक पहुंच जाएगा क्या। देखो हाँ कुछ स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स ऑप्शन सी की तरफ जा रहे हैं, देखो भाई ऑप्शन सी इसका बिल्कुल गलत आंसर, ऑप्शन सी नहीं जाएगा। प्लेंटिफ में बहुत बार करवा चुकी हूँ, किसी के खिलाफ केस दायर करना कोर्ट में, उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, आपने किसी के ऊपर केस लगा दिया कोर्ट में, ठीक है, तो आप वहां पर क्या है, प्लेंटिफ है, ओके।
ये क्या हो गया? इसमें मैंने स्टेंट सेंट स्टॉल और डायनामिक्स डाला है ना ऑप्शन में. क्या हो गया आज खासी को? देखो यार, मैंने जो आंसर था वो तो इसमें डालना ही भूल गई, तो इसका आंसर कोई भी नहीं है इसमें से. वो COVID-19 नहीं है, शागोलिज्म इनोइबी जी, वो COVID-19 है. कहाँ गया मेरा पेन? वो COVID-19 है. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को नाम दिया है, ऑफिशियल नाम जिसको दिया है, क्या दिया है? COVID-19. को से कोरोना है, वी आई से वायरस है, डी से डिजीज है, 19 में इसकी पहचान हुई थी, तो ये 19 है. ठीक है, वो कोविक नहीं है, कोविड है, और मुझे ये नहीं हुआ है. COVID-19 है. अब देखो इसका जो सही आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट्स टॉइक दे रहे थे, ब्रिलियंट स्टूडेंट, बहुत ही बढ़िया. मैंने ऑप्शन में नहीं डाला, उसके बाद भी आंसर कर दिया. हाँ, स्टोइक होता है इसका मतलब, जिनको सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं होती है, वो एक जैसे रहते हैं. ठीक है, सेंट नहीं जाएगा इसका आंसर. सेंट क्या होता है? अ वेरी गुड एंड काइंड पर्सन, जो बहुत ही महात्मा व्यक्ति, संत व्यक्ति जिसको बोलते हैं, वो होते हैं सेंट. स्टॉल नहीं जाएगा इसका आंसर, डायनामिक्स भी नहीं जाएगा. ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखेंगे, सिनोनिम्स पे आ गए हैं अब हम. एसेटिक और स्टॉइक प्लीज एक्सप्लेन. यार एसेटिक आपका क्या होता है? एसेटिक होता है मतलब जो कि धार्मिक कारणों से, किसी रिलीजन रीजन से जो सुखों को त्याग देते हैं, है ना. और स्टॉइक होते हैं, उसका कोई रिलीजन से मतलब नहीं होता है. एसेटिसिज्म तो होते हैं जो रिलीजन धर्म की वजह से त्याग देते हैं, जैसे संन्यास ले लिया है ना, किसी धर्म को बहुत मानते हैं, उसी धर्म को मानते हैं, संन्यास ले लिया है और हमें सुख दुख नहीं चाहिए, पहाड़ों पे रहने लग गए हैं. और स्टोइक आपका नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि जिज्ञासु क्यूरियस भी हो सकते हैं स्टोइक. सुख दुख की कोई अनुभूति नहीं है ना, जरूरी नहीं है उसके लिए आपको संन्यास लेना पड़े. एसेटिक यानी कि धार्मिक रीजन हो, ये जरूरी नहीं है. ठीक है, चलो इम्पर्टिनेंस बताएंगे अब जल्दी से. अनीश कुमार जी, खांसी ठीक हो जाएगा. अरे नहीं यार, अनीश कुमार जी कैसी सलाह दे रहे हैं आप मुझे. घर से निकलवा दोगे यार आप तो मुझे. नहीं, स्टोइक को सन्यासी नहीं बोल सकते हैं हम, वो कोई भी पर्सन हो सकता है स्टोइक, जिसको सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है. सन्यासी को स्टोइक बोल सकते हो, बट स्टोइक को सन्यासी नहीं बोल सकते हो. ठीक है, हाँ ओके. मोस्टली स्टूडेंट जा रहे ऑप्शन बी की तरफ, इम्पर्टिनेंस. देखो इम्पर्टिनेंस क्या होता है? गुस्ताखी करना. ठीक है, जो लोग गुस्ताखी कर सकते हैं, ठीक है, कहना ना मानना. हाँ बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी डिसऑबीडियंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. एस्टीम क्या होता है? एस्टीम होता है किसी के लिए ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, अ पर्सन, अ गुड ओपिनियन ऑफ समबडी, किसी के लिए गुड ओपिनियन रखना, किसी की बहुत रिस्पेक्ट करना, ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, चलो. डिसऑनेस्टी क्या होता है? डिसऑनेस्ट इसका आंसर नहीं जा सकता है, यानी कि जो बेईमान होते हैं. ठीक है, रिवरेंस भी इसका आंसर नहीं जा सकता है. रिवरेंस क्या होता है? श्रद्धा होना किसी के लिए, फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट. ठीक है, फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट. ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से. स्ट्रॉलिंग हाँ, रिवरेंस का मतलब भी रिस्पेक्ट ही होता है आपका, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. अच्छा, एक घंटे लाइव होती है हमारी क्लास, एक घंटे. चलो जल्दी से बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? हाँ जी, तबीयत खराब है सुमित कुमार जी, थोड़ी सी क्या करें. मूविंग एमलेसली वांडरिंग होता है. हाँ, खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे, खुद ही बता रहे हैं फिर जिज्ञासु जी. देखो स्ट्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉलिंग आपका क्या होता है? चहलकदमी करना. ठीक है, टहलना, वॉकिंग,
वॉकिंग ले सकते हैं आप, यानी कि टहलना थोड़ा बहुत, वो आपका स्ट्रॉलिंग होता है, रनिंग नहीं जा सकता, डांसिंग नहीं जा सकता, म्यूइंग क्या होता है, चिल्लाना विद हाई पिच ऑफ कैट, कैट की जो हाई पिच होती है उसी को बोलते हैं म्यूइंग, ठीक है। हाँ जी सौरभ सिंह जी, हमारी तबीयत सच में थोड़ी ठीक नहीं है क्या करें, तबीयत के चक्कर में ज्यादा क्लासेस को भी तो नहीं ऑफ रख सकते ना, तबीयत बहुत दिन से मेरी ऐसी ही चल रही है। क्या बात नहीं सुनी राग जयपुर जी हमने आपकी, कौन सी बात नहीं सुनी जल्दी से बताओ, पंट्राइट क्या होता है, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। नहीं ग्रामर नहीं करवाते हैं हम सिर्फ वोकैबुलरी करवाते हैं, ऑप्शन डी होगा। देखो कंट्राइट का मतलब क्या होता है गुस्सा रहा है मुझे खुद पे ही, परेशान कर दिया कफ ने मुझे। देखो कंट्राइट का मतलब होता है अपने किए पर पश्चाताप करना, ठीक है, रिमोर्सफुल वाली फीलिंग, रिमोर्सफुल जिसको बोलते हैं, अपने किए पर पश्चाताप करना, अपनी गलती का एहसास होना, मैंने उसके फेस पे कंट्राइट एक्सप्रेशंस देख के उसको माफ कर दिया कि चलो छोड़ो यार जाने दो, उसके वो फेस पे काले कंट्राइट एक्सप्रेशंस थे यानी कि पश्चाताप वाली फीलिंग थी, तो मैंने उसको क्या कर दिया, माफ कर दिया कि चलो छोड़ो यार जाने दो, वो काफी गिल्टी फील करा, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, यस स्ट्रेटस एंड इनक्रेडिबल साउंड्स, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस आंसर, रिपेंटेंट आपका बिल्कुल सही आंसर, यानी कि पश्चाताप करना। अमलगमेट इसका आंसर नहीं जाएगा, बहुत डिफरेंट मीनिंग है। अमलगमेट क्या होता है, किसी ग्रुप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके एक ऑर्गेनाइजेशन बना देना, वही आपका क्या होता है अमलगमेट, ठीक है। बिरेट नहीं जा सकता, बिरेट क्या होता है, स्कोल्ड और क्रिटिसाइज एंग्रीली, किसी को भड़कना किसी के ऊपर गुस्से से, ठीक है, स्कोल्ड, स्कोल्ड एंड क्रिटिसाइज एंग्रीली, ओके। एलिविएट क्या होता है, एलिविएट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और बैड, किसी चीज का प्रभाव कम कर देना, टू मेक समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, किसी चीज का प्रभाव क्या कर देना, कम कर देना, जैसे कि द डॉक्टर गैव में इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन, डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन दिया पेन को एलिवेट करने के लिए, यानी कि उसको कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए, बफरिंग हो रहा है यार, ऐसा कैसे हो सकता है यार, बिल्कुल सही चल रहा है, मेरी तरफ से तो कोई बफरिंग नहीं हो रहा है हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं ऑनलाइन, जी आप शायद उस दिन क्लास में नहीं आए थे, बहुत डिटेल में मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था देखो टायरो बताओ जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन, बातें थोड़ा सा कम करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो जल्दी से। टायरो हमारी क्लास के टाइमिंग 9 बजे है डेली, सौरभ सिंह जी डेली 9 बजे होती है, टायरो बताओ जल्दी से, नवाइस ओके क्या बात है, बिगनर वेरी नाइस, बिल्कुल सही आंसर है, टायरो का मतलब होता है बिगनर, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिन्होंने अभी जल्दी ही कोई भी काम स्टार्ट किया है, ठीक है, नवाइस यानी कि, बिल्कुल सही आंसर जाएगा आपका ऑप्शन डी। एंड प्लीज गाइस लाइक एंड शेयर करते रहे सारे स्टूडेंट्स सेशन को, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार, लाइक करने के ना तो हमें पैसे मिलते हैं ना आपके पैसे जाते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है बस, और कुछ नहीं है कि थोड़ा मेहनत कर रहे हैं तो कुछ मिल रहा है ना, तो लाइक एंड शेयर करने में कोई कंजूसी मत किया करो आप लोग, थोड़ा सा शेयर भी कर दो और लाइक भी कर दो यस टायरो मीन्स होता है इनएक्सपीरियंस यानी कि नवाइस, ग्रेव नहीं जा सकता इसका आंसर, ग्रेव क्या होता है, कोई चीज बहुत सीरियस एंड गंभीर सिचुएशन जो होती है, ग्रेव, ग्रेव यानी कि काफी गंभीर सीरियस, फॉर्मल नहीं जा सकता इसका आंसर, ग्रेव नहीं जा सकता, सर्वाइल भी नहीं जा सकता, सर्वाइल का मतलब क्या होता है, सर्वाइल भी मैंने आपको पहले करवाया हुआ है ना, शायद कितनी बार करवा चुकी हूँ, ये सारे वर्ड्स मैं आपको करवा ही चुकी हूँ जी मेडिसिन तो लिया मैंने बट कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सर्वाइल होता है फ्लैटरिंग करना, चापलूसी करना, खुशामद करना किसी की टायरो होता है नो सिखिया ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब्जोर जल्दी से बताएंगे, पानी भी खत्म हो गया है मेरी बोतल में,
प्लेलिस्ट बना हुआ है सौरभ सिंह जी, कैसी बात कर रहे हैं आप। प्लेलिस्ट बना हुआ है, चेक कीजिए आप। अब जोर बताओ जल्दी से, अब जोर का मतलब क्या होता है। सुमित कुमार बोल रहे हैं ऑप्शन बी होगा, ओके। और कोई? राग जापुर जी बोल रहे हैं ऑप्शन ए होगा, टोनी स्टार्क ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन स्पेशल है, इनाम का हकदार होगा वो स्टूडेंट जो इस क्वेश्चन का सही आंसर देगा। अब देखते हैं कौन देता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज्यादा लूंगी मैं, क्योंकि स्पेशल क्वेश्चन है ये आज हमारे सेशन का। टोनी स्टार्क जी थोड़ा सा नजदीक पहुंच गए हैं आप, बट आपका आंसर दम ठीक नहीं है। जिज्ञासु जी बोल रहे हैं रिनाउंस होगा, नहीं, स्पेशल क्वेश्चन है, मैं पहले ही बोल रही हूँ आपको, मल्टीपल आंसर्स होंगे इस क्वेश्चन के। आपको दे इनाम राग जयपुर जी, ठीक है, क्वेश्चन का सही जवाब देंगे तो आपको जरूर मिलेगा। नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा, मल्टीपल आंसर्स है इसके। नो, अभी तक किसी भी स्टूडेंट का आंसर सही नहीं आया। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड्स हैं, 10 सेकेंड के बाद मैं इस क्वेश्चन का आंसर अनाउंस करने जा रही हूं। ओके, क्या बात है, टोनी स्टार्क, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, कोई तो करेक्ट बता दिया मैंने, टोनी स्टार्क जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। यस, यानी कि ऑप्शन ए बी एंड डी, ये तीनों ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं आपके। अब्जोर का मतलब क्या होता है, कसम खाकर त्याग देना कि मैं कसम खाता हूं आज के बाद ये काम नहीं करूंगा, ठीक है। अब्जोर, टू गिव अप बाय स्वर। फिर फेक स्टूडेंट का आंसर सही था, रिकेंट, फॉरस्वेयर, रिनेज, ये तीनों ही इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। रिनेज होता है गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, ठीक है। सॉरी, अपैथिक का आंसर नहीं जा सकता, अपैथिक का मतलब क्या होता है, उदासीन होना। अब लास्ट क्वेश्चन है इलेटेड, लास्ट क्वेश्चन है, तो सारे ध्यान से सोच समझ के आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। चलो जल्दी से बताओ लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी घनश्याम यादव जी, थोड़ी सी तबीयत डाउन है। इलेटेड। कुमार हिमांशु जी बोल रहे हैं ऑप्शन बी होगा। ऑनलाइन जी दावा ठोकते हुए बोल रहे ऑप्शन बी होगा। देखो इलेटेड का मतलब क्या होता है, इलेटेड का मतलब क्या होता है, आपका बहुत हैप्पी एंड एक्साइटेड होना, ठीक है, काफी खुश होना, एक्साइटेड होना किसी चीज के लिए। तो आपका जो सही आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि थ्रिल्ड, ठीक है। थ्रिल्ड क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, कोई बहुत रोमांचित होना कोई चीज। थ्रिलर आपने मूवीज देखी होगी ना, उसमें क्या होता है, बहुत सारी रोमांचित चीजें होती है ना, थ्रिलर मूवीज वगैरह जो होती है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट समथिंग, रोमांचित होना किसी चीज का बहुत ही, ठीक है। तो आपका सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी, रियलाइजेशन, इसका आंसर बिल्कुल नहीं जा सकता। रियलाइजेशन क्या होता है, अ मोमेंट ऑफ स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, रियलाइज करना, ठीक है। ओके, ऑनलाइन एनर्जी ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया, आई एम ऑलवेज लेटेड इन योर सेशन, वेरी नाइस। आप बहुत आगे जाएंगे जिज्ञासु क्यूरियस जी। रिनेज का मतलब होता है, मेरा पेन कहाँ चला गया, यस, रिनेज का मतलब होता है गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, ठीक है। पानी भी खत्म हो गया है मेरा। चलो आप देखो जल्दी से खत्म करते हैं सेशन को, है ना, हालत खराब होती जा रही है इधर मेरी। डिसेमिनेशन देखो क्या होता है, डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, प्रचार प्रसार करना, ठीक है, टू स्प्रेड द न्यूज, इंफॉर्मेशन, आइडियाज, टू स्प्रेड द न्यूज,
information and ideas. ठीक है, इनका क्या करना, प्रचार प्रसार करना. डिमार्केशन क्या होता है, डिमार्केशन एक बॉर्डर लाइन होती है. ठीक है, दैट सेपरेट्स टू थिंग्स, द बॉर्डर लाइन दैट सेपरेट्स टू थिंग्स, जो दो चीजों को या दो प्लेस को क्या करती है, अलग करती है. दैट सेपरेट्स टू थिंग्स या फिर प्लेस, ठीक है, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं. ओके ओला एनर्जी, थैंक यू सो मच. हाँ, लेकिन हल्दी वाला दूध भी मैं बहुत पी चुकी हूँ, पता नहीं क्या है, इस बार कफ ने कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम कर दिया है. पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ था, बट इतना ज्यादा नहीं हुआ था. चलो सिताब, एक दो दिन में अपने आप ही ठीक हो जाएगा. ओके, इसीलिए मैं ज्यादा भी क्वेश्चंस नहीं बना रही हूँ, 20-20 वर्ड्स ही बना रही हूँ आपके लिए. चलो कोई बात नहीं. एंड सारे के सारे स्टूडेंट्स, अब मैम के लिए पानी लेके आओ. सब मैम के लिए पानी लेके आओ. हाउ स्वीट ऑफ यू मोहित कटारिया जी, आपने मजाक किया बट फिर भी हमें अच्छा लगा. चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. सब लोग कितना केयरिंग हो आप लोग, इतना मुझे सलाह देते हो कि मैम ये ले लो, मैम वो ले लो. थैंक यू सो मच. बस इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहे मुझे, थैंक यू सो मच. मिलते हैं फिर हमारे नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं कल. करंट अफेयर की क्लास 10 बजे होगी हमारी, ठीक है, 10 बजे वाले सेशन में मिलते हैं. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. जिन जिन स्टूडेंट्स का एग्जाम है, बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना है, ठीक है. चलो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय. Thank you.